तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी ट्रिपल एड भागलपुर जो मैंने कैंपस टूर बनाया था, उस पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया कैंपस कब तक बन जाएगा, प्लेसमेंट कैसा कॉलेज का और कट ऑफ क्या रहेगी इस साल, तो और फेस्ट कितने होते हैं, कोडिंग कल्चर कैसा है, इसी तरह के बहुत से मेजर सवाल थे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना देते हैं, पूरा रिव्यू देते हैं ट्रिपल एड भागलपुर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कॉलेज की, तो कॉलेज बना था 2017 में और लोकेशन इसकी भागलपुर बिहार है, तो ट्रिपल एड भागलपुर इसको हम जानते हैं नाम से। और इसका जो इंस्टीट्यूट टाइप है वो है PPP मोड, ठीक है। और परमानेंट कैंपस ये 50 एकड़ में बनने वाला है और अभी टेम्परेरी चल रहा है BC भागलपुर में। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारा जो पटना का एयरपोर्ट है वहाँ से 269 किलोमीटर और भागलपुर रेलवे जंक्शन से देखें तो है 8.5 से 9 किलोमीटर के आसपास। और देवघर जो एक और एयरपोर्ट है वहाँ से 120-130 के आसपास। अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो BTech के लिए हमें JEE Mains देना पड़ेगा और CSAB और JOSA के थ्रू मिलेगा ये, और MTech के लिए गेट है और PhD पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। कोर्स ऑफर्ड की बात करें BTech के लिए तो BTech में कंप्यूटर साइंस, ECE और मेगाट्रॉनिक्स। इसके बाद अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो BTech के लिए ट्यूशन फीस जो है 2.3 लाख पर ईयर है और हॉस्टल फी अगर देखी जाए तो 29K पर ईयर है और मैथ्स फी 32K पर ईयर और टोटल वन ईयर की फीस 2.91 लाख पर ईयर, तो 3 लाख के आसपास आप मान सकते हैं। स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो कॉलेज की तरफ से तो अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप। जैसे मैं MP का हूँ तो MP में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है जिसका नाम है MMVY, तो उसके बारे में अगर आप MP से तो मुझसे पूछ सकते हैं MMVY क्या स्कॉलरशिप है। तो हॉस्टल और मैथ्स की बात करें, अभी तक जब जहाँ तक मैं था टेम्प्रेरी जन चल रहा था जहाँ पर मैं था अभी, तो हॉस्टल बढ़िया था, मैथ्स भी बढ़िया थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा खाना नहीं था, ख़राब भी नहीं था, मतलब बढ़िया खाना था, ठीक ठीक था। कैंपस फैसिलिटीज़ की बात है तो हम अभी कैंपस की पूरी बात ही कर लेते हैं, ठीक है। आप बोल रहे थे कैंपस कब तक बनेगा तो इसकी बात करते हैं। तो कैंपस जहाँ तक मुझे लगता है अभी एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्टल में देख के आया था और भी बहुत सी बिल्डिंग, तो वो मुझे लग रहा था 2023 तक बन जाएगा। एक लाइब्रेरी है शायद जो बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी ओवरऑल कैंपस मुझे लगता है 2023 तक बन जाएगा। बस एक लाइब्रेरी का मुझे कंफर्म नहीं हो कब बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, बाकी पूरा कैंपस बन जाएगा। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ में अगर हम CSE की देखें तो जनरल की गई थी 42877, तो मुझे लगता है 40K के अंदर ही मिलेगी। 40K के ऊपर तो आपको मुझे नहीं लगता कोई चांस बनेगा कि आपको CSE मिल जाए जनरल में, CSAB में जाके भी। इसी तरह जितनी भी आप ब्रांचेस देखें या जितनी भी आप कैटेगरी की देख ले, तो मैं OBC जनरल और EWS का बता दूँ 5000 मतलब कम ही होगी। STSC का मैं कन्फर्मली नहीं बोल सकता, उनका कितना फ्लक्चुएट होता है कितना नहीं, पर OBC जनरल EWS का मैं बोल सकता हूँ कि 5000 माइनस ही जाएगी, मतलब नीचे ही जाएगी। अब आते हैं कॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है प्लेसमेंट के बारे में। तो हमारे तो कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज तक जाता है 44 के बीच में कुछ था, और लोएस्ट की बात करो 7 LPA, और मीडियम जो है इस अभी इस कॉलेज को अभी अवेलेबल नहीं है। और जो कंपनी विजिटेड की है मैंने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, साइड में देख लीजिएगा, और सिनॉप्सिस में दिख नहीं रही है। सिनॉप्सिस में जितने बहुत सारे बच्चे हमारे पेस्ड हुए हैं, बहुत सी कंपनीज है इसमें दिख नहीं रही, क्योंकि मैंने थोड़े 2022 का उठाया है क्योंकि हमारे कॉलेज की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, तो मैंने ये पिछले साल का उठा लिया ये। और अगर आपको ज़्यादा जानना है प्लेसमेंट के बारे में तो हमारे TPC के पेजेस हैं इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में, आप जाके वहाँ पर विजिट करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। और सारे ऑन कैंपस है, कोई भी ऑफ कैंपस नहीं है। ये जितने भी आप अगर नेगेटिव रिव्यू आपको कहीं दिख रहा हो तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ये। अब आ जाते हैं कॉलेज के फेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोकल्चरल फेस्ट जिसका नाम था यूनुगमा, तो उसमें स्टार नाइट हुआ था, तो उसमें EPR आया था, स्लोका, स्नेह उपाध्याय, असीम शर्मा, और डांस हुआ था, सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, स्पोर्ट्स और फोटोग्राफी के इवेंट, लाइन फॉलोइंग रोबोट कॉम्पिटिशन, सिनेमारा, वीडियो एडिटिंग, फॉल स्टेक ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट, स्ट्रीट प्ले ड्रामा, हैकेथॉन हुआ था, बिट बाय बिट पेपर्स, डिबेट पोएट्री कॉम्पिटिशन, बहुत सारे इवेंट हुए थे, मैं तो सारे इसमें लिखे भी नहीं है, बहुत हुए थे। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम में हमारा जो पेज है यूनुगमा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें स्पोर्ट फेस्ट उद्यत्व का, तो उसमें हमारा क्रिकेट हुआ था, फुटबॉल हुआ था, कबड्डी, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्पोर्ट, बहुत सारे इवेंट हुए थे, शायद मैंने पूरे लिख भी नहीं पाया हूँ यहाँ पे। और अगर हम बात करें इसके अलावा भी, तो कोडिंग कल्चर की जिस पर बात हुई थी, तो कोडिंग कल्चर अभी बढ़िया है, मतलब कॉलेज का परमानेंट एक कॉन्टेस्ट हो जाता है, सीनियर क्लासेस लेते हैं और बढ़िया है। और हम क्लब्स की बात करें तो कॉलेज में टैग के क्लब्स है, स्पोर्ट्स के क्लब्स है, कल्चरल क्लब्स है, तो इस तरह के तीन चीज़ में डिवाइडेड है क्लब, बहुत सारे क्लब है, और एक एंटरप्रेन्योर क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप का भी क्लब है एक, और ऐसे एक दो क्लब और शायद मैं भूल रहा हूँ,
और इस तरह से बहुत से इसी तरह का है कॉलेज का कुछ रिव्यू। और कैंपस का जो बनने का है वो जुलाई 2023 तक हमारा एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्टल बन जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है सारी बिल्डिंग 2023 तक बन जाएगी। एक मुझे लाइब्रेरी का डाउट है बस। तो आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के अगर आपको कॉलेज के बारे में और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टा हैंडल डाल दूँगा। और धन्यवाद, आपने मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछे, बोला भैया वीडियो बना दो, उसके बाद तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा वीडियो नहीं बन पाया, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने शायद पूरा एफर्ट नहीं डाले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।